मोटरसाइकिल चलाते समय मोटरसाइकिल की पावर और स्पीड को बदलना जरूरी होता है। इसके लिए हम एक गियर शिफ्ट लीवर का उपयोग करते हैं। मोटरसाइकिल गियरबॉक्स में दो शाफ्ट में मौजूद विभिन्न व्यास के गियर्स होते हैं, जिन्हें आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है। गियर लीवर एक शिफ्टर शाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है और शिफ्टर शाफ्ट एक रैचेट मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ होता है। ये रैचेट मैकेनिज्म एनिमेशन में दिखाए गए अनुसार काम करता है। इस रैचेट मैकेनिज्म का उद्देश्य शिफ्टिंग ड्रम को एक निश्चित कोण पर घुमाना है। इस शिफ्टिंग ड्रम में विशेष आकार के स्लॉट्स होते हैं। इन स्लॉट्स में 3 सी आकार के शिफ्टिंग फोर्क फिट किए जाते हैं। प्रत्येक शिफ्टिंग फोर्क में एक एक डॉग गियर फिट होता है। जैसे जैसे शिफ्टिंग ड्रम घूमता है, शिफ्टिंग फोर्क दाएं या बाएं स्लाइड होते हैं, जिसके साथ डॉग गियर्स भी चलते हैं। शिफ्टिंग फोर्क और डॉग गियर स्लाइड करने का मकसद बाद में बताया जाएगा। पहले गियर बॉक्स में विभिन्न गियर्स को कैसे क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है वो समझते हैं। इसमें एक इनपुट शाफ्ट और एक आउटपुट शाफ्ट होता है। अलग अलग व्यास वाले गियर्स इन दोनों शाफ्ट में रखे जाते हैं। कुछ गियर्स में इंटरनल स्प्लाइंस होते हैं। ये इंटरनल स्प्लाइन अपने शाफ्ट के एक्सटर्नल स्प्लाइन से मेशिंग होते हैं। ये गियर अपनी शाफ्ट के गति में ही घूमने के साथ साथ दायां और बायां भी स्लाइड कर सकता है। सभी स्प्लाइन वाले गियर्स को लाल रंग में दिखाया गया है। कुछ गियर्स फ्री व्हीलिंग गियर्स होते हैं। ये गियर स्वतंत्र रूप में घूम सकते हैं, लेकिन दायां या बायां स्लाइड नहीं कर सकते हैं। सभी फ्री व्हीलिंग गियर्स को नीले रंग में दिखाया गया है। इन गियर्स के अलावा एक स्टैटिक गियर होता है, जो इनपुट शाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है। हम इन सभी गियर्स को 1 से 5 तक संख्या देते हैं, ताकि समझने में आसान हो। कृपया यहाँ ध्यान दें कि प्रत्येक डॉग गियर में डॉग टीथ होता है, जो बगल वाले फ्री व्हीलिंग गियर्स में स्लाइड करके इन दो गियर को लॉक कर सकता है। अब हम समझते हैं कि मोटरसाइकिल में विभिन्न गियर कैसे बदले जाते हैं। अभी हम देख सकते हैं कि हर स्प्लाइन गियर्स एक फ्री व्हीलिंग गियर के साथ मैश हुआ है। इस स्थिति में यदि हम इनपुट शाफ्ट को घुमाते हैं, तो आउटपुट शाफ्ट तक कोई भी पावर ट्रांसफर नहीं होता है। यह तब होता है जब हमारी मोटरसाइकिल न्यूट्रल स्थिति में होती है। एक नंबर गियर में शिफ्ट होने के लिए आउटपुट साइड में डॉग गियर नंबर 5 फ्री व्हीलिंग गियर नंबर 1 की ओर स्लाइड करता है और इसके साथ लॉक होता है। गियर नंबर 5 स्प्लाइंड होने की वजह से अब आउटपुट शाफ्ट इस गियर के साथ घूमेगा। यह पहला गियर है। 2 नंबर गियर में शिफ्ट होने के लिए आउटपुट शाफ्ट में डॉग गियर नंबर 5 न्यूट्रल स्थिति में आ जाता है और डॉग गियर नंबर 4 स्लाइड करके 2 नंबर गियर के साथ लॉक हो जाता है। इसी तरह तीसरा गियर भी शिफ्ट हो जाता है। फिर चौथा गियर और पांचवा गियर। कृपया यहां ध्यान दें कि किसी भी एक गियर से दूसरे गियर में शिफ्ट होने के लिए पहले से लॉक किया गया डॉग गियर पहले न्यूट्रल स्थिति में लौटता है, उसके बाद ही किसी अन्य गियर से लॉक होता है। इस वजह से प्रत्येक दो गियर के बीच में एक न्यूट्रल स्थिति होती है, लेकिन हमारी मोटरसाइकिल में हम केवल एक ही स्थान में न्यूट्रल पाते हैं। यह कैसे होता है, इसे समझने के लिए हम रैचेट मैकेनिज्म पर वापस जाते हैं। उचित गियर शिफ्टिंग के लिए एक स्टार शिफ्ट डिटेंट मैकेनिज्म जिम्मेदार होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, स्टार प्लेट में रिजेस और वैलीज होती है और इन रिजेस और वैलीज पर एक रोलर स्प्रिंग की सहायता से रोल होते हैं। रोलर जब स्टार की रिज पर होता है, तब मोटरसाइकिल न्यूट्रल में होती है। जैसा कि हम कल्पना कर सकते हैं, रोलर स्टार की रिजेस पर नहीं रुक सकता है। इसी वजह से हम इस गियर के बीच न्यूट्रल नहीं पाते हैं। लेकिन इस स्टार की एक रिज कटी हुई होती है, इस वजह से रोलर इस स्थान पर रुक सकता है जहां हम न्यूट्रल स्थिति पाते हैं। हमने जो गियर बॉक्स यहाँ दिखाया है, उसे
कांस्टेंट मेश ट्रांसमिशन सिस्टम के रूप में जाना जाता है। पारंपरिक गियरबॉक्स जिसे हम स्लाइडिंग मेश ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं, इसमें गियर शिफ्ट करने के लिए एक गियर को पूरी तरह डिसएंगेज करके दूसरी गियर से एंगेज करना जरूरी होता है। इस वजह से इस गियरबॉक्स में गियर शिफ्ट करने के लिए कठिन होता है। कभी कभी एक गियर का दांत दूसरी गियर के दांत के साथ टकरा के गियर जल्दी खराब हो जाने की समस्या होती है। कॉन्स्टेंट मेश ट्रांसमिशन सिस्टम में यह समस्या नहीं होती है।